हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जितने भी उम्मीदवार अपनी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स के उम्मीदवार हो, चाहे वो ANM के उम्मीदवार हो, चाहे वो LT के उम्मीदवार हो, चाहे वो फार्मिस्ट के उम्मीदवार हो, जो भी उम्मीदवार 17,000 प्लस की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहा है, दोस्तों उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी काफ़ी लंबे समय से वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद, जिला आवंटन भी होने के बाद, यहाँ पर जो है उन्हें नियुक्त करने के बाद भी अभी तक फाइनली जो है वेटिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एजेंसियों को भी एक आंकड़े भेज दिए गए थे कि इतने उम्मीदवारों के हर एक कैटेगरी के अंदर यहां पर जो है वेटिंग लिस्ट चाहिए। पर दोस्तों अभी तक नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा आप सभी की वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई, और उम्मीदवारों को अभी भी इंतज़ार है कि UPNHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही इस वेटिंग की प्रक्रिया की जो नोटिस है वो जारी होगी। पर दोस्तों काफ़ी लंबे समय होने के बाद उम्मीदवार काफ़ी आज चिंतित हैं कि इस भर्ती की वैकेंसी की जो संविदा पर थी, क्या इसकी वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आप सभी ने देखा है कि 50% से भी ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो नियुक्त होने के बाद अपने डॉट सेंटर पर जा नहीं सके हैं, अपने पद को यहाँ पर ग्रहण कर नहीं सके हैं, और कई लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद, उनकी डिस्ट्रिक्ट दूर होने के बाद वो पहले ही अपनी जो है पदों को छोड़ चुके हैं, जिसके कारण हर एक डॉट सेंटर यहाँ पर खाली था और काफ़ी उम्मीदवारों के जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे उन्हें भी वेटिंग में लाकर और उन सभी सेंटरों को, उन डॉट सेंटरों को फिल करने की यहाँ पर जो है लगातार बातें कही गई थी, और हर एक अपडेट में, न्यूज़ के आर्टिकल में ऐसी अपडेट लगातार आ रही थी। पर दोस्तों अब उम्मीदवार उन बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो उम्मीदवार नॉट शॉर्ट लिस्टेड थे या जो वेटिंग में थे उन्हें एक तरह का होप था कि फाइनली यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक वेटिंग की प्रक्रिया है, और उस वेटिंग में चाहे वो कितनी भी दूर सेंटर हो हम वहाँ पर नियुक्त कर लेंगे। पर दोस्तों फाइनली जो वेटिंग की प्रक्रिया है वो क्या आचार संहिता लगने के कारण रुक गई है, या आचार संहिता ख़त्म होने के बाद आएगी या नहीं आएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो फाइनली दोस्तों लगातार उम्मीदवार यहाँ पर NHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों इंक्वायरी भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, पर उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो उम्मीदवारों का लगातार रिसेंट इन चीज़ों को लेकर कमेंट था कि सर क्या वेटिंग के प्रक्रियाओं को लेकर NHM डिपार्टमेंट क्या जल्द ही में कुछ अपडेट दे सकती है, वेटिंग की प्रक्रिया आ सकती है या नहीं आ सकती है, या इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कब तक जारी कर दी जाएगी, यह सारी चीज़ उम्मीदवार जानना चाह रहे थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि जो वेटिंग है वो कब तक आने वाली है, और उम्मीदवारों को कितना समय तक वेटिंग करना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें कितना समय लग सकता है। दोस्तों ये सारी प्रक्रिया मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों हर एक आर्टिकल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक आर्टिकल की अपडेट आप सभी को सबसे पहले वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या वेबसाइट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों 28/3/2024 के बाद NHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस अभी तक यहाँ पर पब्लिश नहीं की गई है, और जो लास्ट अपडेट है वो 28/3/2024 का है। पर दोस्तों अभी तक यानी कि एक महीना हो चुका है, पर अभी तक NHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी जो है अपडेट नहीं आई है। तो दोस्तों लगातार उम्मीदवार चिंतित हैं कि वेटिंग की प्रक्रिया कब तक होगी, इसके लिए उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता कर भी रहे हैं, और वो जानना भी चाहते हैं कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लिखा गया था कि इसकी वेटिंग की प्रक्रिया आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस के हर एक वैकेंसी पर उम्मीदवारों को यस और नो में यहाँ पर दोनों तरह से कन्फ्यूज़ कर रख दिया जाता है, जिस तरह से मैंने आप सभी को बताया था, क्योंकि आपने पदों की घटने की संख्या, बढ़ने की संख्या दोनों ही इस वैकेंसी के अंदर देखी गई थी। तो दोस्तों क्या स्टाफ नर्सिंग की वेटिंग आएगी? तो दोस्तों आप सभी को यह चीज़ तो कंफर्म है कि इसकी वेटिंग आएगी, पर उम्मीदवारों को अपनी वेटिंग लिस्ट के लिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कितना और समय रुकना पड़ेगा, दोस्तों यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ पा रही है
क्योंकि दोस्तों जो अपडेट आ रही है वो पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है, पर जो अपडेट निकल कर आ पा रही है वो उम्मीदवारों के कुछ फेवर में है, क्योंकि लगातार उम्मीदवार हर एक जगह पर यहाँ पर जो है वेटिंग को लेकर, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हो, चाहे वो ट्विटर हैंडल पर हो, हर जगह इन चीज़ों को लेकर मांग कर रहे हैं और लगातार एक या दो बार इसके रिगार्डिंग कैंपिंग भी करने का कोशिश किए हैं, पर जो कैंपिंग थे वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई, ट्रेंड नहीं कर पाई, जिसके कारण यहाँ पर कई उम्मीदवार अभी तक इन चीज़ों को लेकर निराश हैं। पर दोस्तों एक अपडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है इस वेटिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि आप सभी को स्टाफ नर्सिंग की, फार्मेस्ट की, एलटी की, एएनएम की वेटिंग का इंतज़ार है, तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक गुड न्यूज़ निकल कर आ पा रही है। दोस्तों ऐसा अपडेट आ रहा है कि एनएचएम डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो यहाँ पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर लेने वाला है। अगर वो फैसला सक्सेसफुली यहाँ पर जो है परमिट हो जाता है तो आप सभी की वेटिंग जो है लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक डाउट सेंटर जो यहाँ पर लगातार यूपी में बनाए जा रहे थे हर एक ज़िले में, तो दोस्तों उन ज़िलों पर यहाँ पर जो है यहाँ पर भारी कमी होने के कारण इन चीज़ों की परमिशन के लिए मांग की गई है। यानी कि दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एजेंसियों को आंकड़े तो भेज दिए गए थे, पर दोस्तों आंकड़े भेजने के बाद उन्हें यहाँ पर जो है आंकड़े तैयार हैं, पर दोस्तों अभी तक वो लिस्ट नहीं जारी कर पाई है, क्योंकि आचार संहिता के कारण दोस्तों हर एक नई रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, फार्मेस्ट की हो, जो भी वैकेंसियाँ हैं वो सब अभी डीले हैं, वो सब अभी रुकी पड़ी हुई हैं। और दोस्तों सीधा इसका एक ही अपडेट है, क्योंकि आचार संहिता के कारण यहाँ पर दोस्तों परमिशन उन वैकेंसियों को रिलीज़ करने की नहीं मिल पा रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो कार्यालय में कार्य करने वाले जो यहाँ पर जो है जो कर्मचारी हैं उनकी कमी के कारण इन सभी को रोका गया है, क्योंकि उन सभी को उम्मीदवारों को, उन सभी यहां पर कार्य करने वाले को, सभी को यहां पर इलेक्शन की ड्यूटी में लगा दी गई है। पर दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन में हर एक डॉट सेंटर पर यहां पर जो उम्मीदवारों की कमी होने के कारण यहां पर ये एक परमिशन आचार संहिता जो यहां बोर्ड है उनसे मांगा गया है, और उनसे एक लेटर भी अभी तक दोस्तों जो अपडेट निकल कर आ पा रही है, क्योंकि यह कंफर्म नहीं है, एक जो है आप सभी के लिए एक मोटा मोटी यह कह सकते हैं कि एक न्यूज़ आ रही है जिसमें कि पूरे तरह से कंफर्मेशन नहीं है, पर ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि वेटिंग के लिए उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह कोई कंफर्म न्यूज़ निकल कर नहीं आ पा रही है, जिसके कारण यह कंफर्म बताया जाए कि एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि दोस्तों जितनी भी न्यूज़ होती है अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं कुछ अपडेट हो रही है तो जितनी भी आप सभी की न्यूज़ आ रही है वह सभी यहाँ पर जो है एक तरह से दोस्तों यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि एक अनुमानित न्यूज़ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा कि SPGPA की जो वैकेंसी थी नर्सिंग ऑफिसर की, उसके लिए विज्ञापन न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट में नोटिस आ चुकी थी, पर दोस्तों अभी तक उसकी वैकेंसी भी नहीं, इसकी नोटिफिकेशन आई है। पर दोस्तों यहाँ पर यह चीज़ कंफर्म है कि आचार संहिता से परमिशन मांगा गया है कि इसकी वेटिंग लिस्ट सिर्फ जारी करने को लेकर, क्योंकि आचार संहिता अगर परमिशन दे देती है तो जो उम्मीदवार वेटिंग का इंतजार करते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में जुड़ेंगे, और जिसके कारण वेटिंग के उम्मीदवार जो हैं वो नई भर्तियों के तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें वेटिंग में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर कार्य होंगे। तो दोस्तों हो सकता है कि आप सभी को एक या दो वीक के अंदर, यानी कि एक या दो वीक के अंदर दोस्तों आप सभी को अपनी वेटिंग की जो लिस्ट है वो देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ पर परमिशन मिलती है आचार संहिता से, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भेजने की जो अपडेट है वो आ रही है, तो जो हमारे जो सोर्सों से बताया गया है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली अगर एनएचएम डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं तो आप सभी को बता देते हैं कि हमारे पास अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि यहाँ पर जो मैं आप सभी को शेयर कर दूँ। तो दोस्तों जो अपडेट है वही है कि जो परमिशन मांगी गई है, अगर परमिशन मिलती है तो नोटिस जारी हो सकती है, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट के लिए जून या जुलाई तक भी उनकी वेटिंग के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। पर दोस्तों उम्मीद है कि उम्मीदवारों के कमी के कारण जो यहाँ पर बोर्ड है वो परमिशन दे दे और उम्मीदवारों की जो वेटिंग है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कमेंट कर क्या बताइएगा, और दोस्तों जो अपडेट आएगी एनएचएम डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।